जो शक्ति अब आप लोगे, ये साक्षात आप शक्ति ग्रहण करोगे और साथ में गणेश जी की जो गुण हैं, जिस वजह से उनकी पूजा की जाती है, वो ग्रहण करोगे, वो गुण अपने अंदर उतारोगे। क्या करते हैं कि बस गणेश जी की पूजा की जा रही है, ये सोच करके करते हैं कि बस विघ्नहर्ता है और हमारा, हम जो आगे कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट नहीं आ जाता। लोगों के मन में यही भाव होते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है आप लोगों के, या फिर शिव जी ने ये वरदान दे दिया था तो इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। बस ये मतलब ये नियम है या रीति है, रीति चली आई और काम पूरा नहीं होगा। मतलब ये है कि गणेश जी, अगर हम कुछ लोग ये भी सोच कर करते हैं गणेश जी की पूजा नहीं करी, ओहो मंदिर में गए गणेश, वहाँ कोई भीड़ थी भूल गए गणेश जी को, बाद में रख लिया, अरे अरे तो मेरी पूजा ये मान्य नहीं होगी। हम जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जो गुण हैं, खाली गणेश जी नहीं, हम जितने भी देवी देवताएं हैं ये शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में फैली हुई शक्तियां हैं। इनको प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन्हें जाना पहचाना और इनको नाम दे दिया उनके गुणों के आधार पर। जैसे ग्रहों को नाम दिया गया है, ग्रहों को नाम आप देखें और ये जो महीने के जो आपके नाम हैं ये उन्हीं के गुणों के आधार पर ही रखे गए हैं आपके लिए। ये चाहिए जनवरी फरवरी मार्च ये जनरली हैं, आपको किसी ने कहा ये जानने की कोशिश नहीं की होगी, या कुछ ही लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं नाम कहाँ से पड़े क्यों पड़े। तो खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि नाम महीनों के क्यों हैं, किसका क्या मतलब है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जहाँ से ये ओरिजिन हुए हैं वो भी कहीं शक्तियों के नाम हैं। इसीलिए आपको देखें ना, आपका अलग हर एक का अलग अलग होता है, किसी के लिए कोई महीना शुभ होता है, किसी के लिए कोई महीना शुभ होता है। आप जनरली अपनी भाषा में जाते तो मेरे लिए तो अक्टूबर में हर साल ऐसा होता है, मेरे लिए तो दिसंबर में हर साल ऐसा ही होता है। तो ये नाम जो हुए हैं, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, उन्होंने कुछ जाना पहचाना उन शक्तियों या देवी देवताओं के नाम पर इनके नाम रखे। ऐसे ग्रहों के नाम रखे गए हैं वो भी जो शक्तियों को जाना पहचाना उनके आधार पर, जो उनके गुण हैं गुण के आधार पर वो नाम रखे गए हैं। प्राचीन काल में हुआ था कि उन्होंने, ऋषि मुनियों ने जाना पहचाना और उनको आकार रूप इसलिए दे दिया क्योंकि एक इंसान से ये कहा जाए, अब आपसे मैं कहूँ यहाँ गणेश जी बैठे हैं आप इनकी पूजा कर लें, जो के अंदर पूर्ण समर्पण है वो तो कर लेंगे कि हाँ माँ ने कहा है तो हम कर लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर पूर्ण समर्पण नहीं है या जो नए नए आए हैं वो कहेंगे यहाँ हम किसकी पूजा करें, कौन है यहाँ। लेकिन अगर यहाँ कोई किसी चीज का मैं आकार बना करके रख देती हूँ तो चाहे समर्पण है नहीं है, कोई नया है या पुराना है, हर एक व्यक्ति को वो दिखाई दे रहा है और वो उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देता है। इसलिए जो आकार दिए गए हैं वो उनके गुणों के आधार पर दिए गए हैं। तो अब जो हम साधना करते हैं, अब यही साधना करोगे कि जो उनकी शक्ति है वो हमारे अंदर आए। नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लो, नाक से धीरे धीरे छोड़ दो, प्रार्थना करो मैं सृष्टि को बनाने वाली शक्ति सृष्टिकर्ता गुरुजी माँ सिद्ध सिद्ध शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में इस शुभ दिन इनकी शक्ति इनके गुण मेरे अंदर प्रवाहित करो और हमेशा के लिए
स्थापित करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, अब अपना ध्यान अपने छाती के बीच में हृदय चक्र पर, हृदय पर नहीं, छाती के बीच में हृदय चक्र पर, जो कि हमारा द्वार है, यहाँ पर रखें। इस द्वार को महसूस करें, यह है पूरी तरह से, इसके कपाट, इसके दरवाजे खुल गए हैं। मेरा यह हृदय पूरी तरह से आपके भजन कीर्तन से शुद्ध हुआ हुआ है। इस पवित्र शुद्ध स्थल पर मैंने अपने श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का आसन बिछा दिया है। इस आसन पर आप अपनी शक्तियों और गुणों के साथ आए और विराजमान रहें। ये ब्रह्मांडीय सिद्ध शक्तियां, गणेश जी मेरे मंत्र के साथ मेरे हृदय में स्थित आसन पर विराजमान होती जा रही हैं। गणपते नमः, गण 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 गणपते नमः,
इनके विराजमान होते ही यहाँ की सारी नकारात्मकता अब तो सब नष्ट हो गए हैं। गण गणपते नमः, 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 गण गणपते नमः। आपके कानों की दूर दूर तक, दूर दूर से सुनने की शक्ति मेरे कानों में विराजमान हो रही है। गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः। आपकी आँखों की दूर दृष्टि मेरी आँखों में विराजमान हो रही है। गण गणपते नमः, 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 गण गणपते नमः। आपकी सूंड की संतुलनता मेरे मुख में विराजमान हो रही है। मेरा यह मुख, इसका स्वाद, इसकी जिज्ञासा, इसकी भूख संतुलित हो रही है। गण गणपते नमः, 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 गण गणपते नमः। आपके इस दिव्य पेट की शक्ति मेरे अंदर, मेरे पेट में समाहित हो रही है। जो भी बात मैं इस दिव्य दृष्टि से देखूं, इस कानों से दूर दूर तक का सुनूं, वो सब मेरे मुख में संतुलित होकर मेरे इस पेट में इकट्ठा हो रहा है। यहाँ से कुछ बाहर नहीं निकल रहा है,
सारी बातें यहाँ एकत्रित हैं। गण गणपते नमः, 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 गण गणपते नमः। आपके पगों की शक्ति, उसके गुण मेरे पगों में विराजमान हो रहे हैं, यानी मैं अपनी जिंदगी में जो भी कदम उठा रहा हूँ वो सोच समझ कर, बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल कर उठा रहा हूँ। गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः। आपकी दिमाग की बुद्धि मेरे सिर में विराजमान हो रही है कि मैं अपने जीवन में अपने दिव्य दृष्टि, दिव्य कर्ण, दिव्य जिव्या, दिव्य अमांश, दिव्य पद का इस्तेमाल जहां भी करूं, आपकी शक्ति, आपके बुद्धि की शक्ति के द्वारा सोच समझ कर करूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि दो, इतनी शक्ति दो ताकि बाकी का जीवन मैं अपना भी सवार सकूं और लोगों का भी सवार सकूं। आज के शुभ दिन आप मेरे अंदर विराजमान में हो। आज से मेरी बुद्धि आपके श्री चरणों में है। मेरे सिर में, मेरे तंतुओं में आपकी यह बुद्धि चातुर है, हमेशा के लिए विराजमान है। मेरा हर कार्य, हर पल आपके बुद्धि चातुर्य से ही चलेगा।
अपने अंदर पूरी तरह से समाहित होने दें, स्थापित होने दें। गण गणपते नमः, 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 गण गणपते नमः। मेरा यह श्रद्धा विश्वास समर्पण का आसन हमेशा आपके लिए यही इसी प्रकार लगा रहेगा, स्थापित रहेगा। इसी आसन पर आप हमेशा विराजमान रहें और अपने शक्तियों गुणों का मेरे द्वारा प्रवाह करते रहें। मेरे यह हृदय कपाट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और आपकी शक्तियों गुणों का उजियारा मेरे अंदर पूरी तरह से फैल रहा है। गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, गण गणपते नमः। तीन बार सिद्ध महामंत्र का जप कर लें। ॐ सिद्ध सिद्ध शक्ति नमः। Thank you.
इनके गुण शक्तियाँ मेरे अंदर, इनका प्रकाश मेरे अंदर पूरी तरह से फैल गया है। यह प्रकाश, यह शक्तियाँ, यह गुण मेरे अंदर इसी प्रकार रहे। इन सब के लिए मैं सृष्टि को बनाने वाली शक्ति सृष्टिकर्ता गुरुजी माँ सिद्ध सिद्ध शक्ति गणपति अपना धन्यवाद करता हूँ। नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ दें और आराम से धीरे धीरे आंखें खोलें। एकदम नहीं, जिनका मन आंखें खोलने का नहीं कर रहा हो तो नहीं खोल सकते हैं अभी, और बैठा रहना चाहते हैं तो बैठे रह सकते हैं।